अभी डैड ने एक्सीडेंट के बाद पहली बार बॉडी मूवमेंट की है। दिस इज अ पॉजिटिव साइन। डैड, इनका ध्यान रखना जी। बाय पापा। मैं जानता हूं पापा आप नहीं चाहते कि सुना जाए, ये देखो, ये है उसका वो ऐप जिसके जरिए मैं तुम्हारे पाप की धड़कनों को कहीं से भी बैठकर छेड़ सकती हूँ। डेमो चाहिए? मुझसे होशियारी मत करना, वरना एक बटन ऑफ करूंगी ना तो तुम्हारा पाप ऑफ। और फिर सोचो मीना भाभी की क्या हालत होगी, उनका तो हार्ट फेल हो जाएगा और तुम तो अनाथ। चल 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 चल, आपको क्या चाहिए? What do you want? सारी बातें किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। और तुम्हारी वाइफ सोनाक्षी सिप्पी, उसे तुम खुद धक्के मारकर सिप्पी मैंशन से और अपनी जिंदगी से दूर कर दोगे। हम दोनों तभी सेफ रहेंगे जब अलग रहेंगे। तुमने आने की हिम्मत कैसे की? तान्या रिलैक्स। चली जाओ यहाँ से। जस्ट लीव। मैं बस तुमसे, ऑफ कोर्स, मेरी हालत देखकर मेरे बच्चे के जाने की खुशी मनाने आई हो ना तुम, क्योंकि तुम्हारी वो बहन परी वो रोहन के बच्चे की माँ बनने वाली है। तान्या प्लीज काम डाउन। तान्या काम डाउन। तान्या नो। Please calm down. अरे, क्यों आई हो यहाँ पे? तान्या को डिस्टर्ब करके खुशी मिल गई, बदला ले लिया अपना। मतलब? लिसन सोनाक्षी, कभी कभी ना नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव किया करो। हर बार ये महान एक्ट्रेस महान हीरोइन की तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है। ये झूठी केयर झूठी हमदर्दी दिखा के कुछ मिलेगा नहीं। झूठी हमदर्दी? यस, झूठी हमदर्दी। मुझे पता चला कि कल रात रोहन ने परी और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और तुमने रोहन को सबक सिखाया।
मैं कर्टेसी दिखाने के लिए आई थी तुम्हें। मैंने अपने भाई को इसीलिए रोका ताकि वो कोई क्राइम ना कर बैठे, नहीं तो तुम लोगों ने तो उसे जेल पहुंचा देना था, फांसी लगवा देते और तुम दोनों बहनें इस बात की पब्लिसिटी भी ले लेते। समझ में नहीं आता कि तुम गिरे हुए ज्यादा हो या कमीने। दोनों। ओके नाउ लीव, पेपर पढ़ो, साइन करो एंड लीव। ओ और नो नो, शायद तुम यहां इसीलिए आई हो कि यहां के ये झूठी केयर की एक्टिंग करो और रोहित तुम्हें देख के पिघल जाए और फिर तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस ले ले। हाँ और फिर हम दोनों एक साथ। ऐसा कभी नहीं होगा, गेट इट इन योर हेड एंड लीव। दूर रहो मुझसे, मेरी फैमिली से।